यहां जो बात आता है उनसे इतना ही कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 साल विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने गया, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, सात कालिदास मार्ग का दरवाजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर खबरें बनी हुई हैं। जी हां, तमाम टीवी चैनलों में, तमाम बड़े बड़े आर्टिकल्स, तमाम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में जो खबरें छप रही हैं, बड़ी प्रमुख खबरें छप रही हैं, वो उत्तर प्रदेश को लेकर छप रही हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के तमाम नेताओं और मंत्रियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और क्या अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो सीधे तौर पर ये बताया जाए या ये माना जाए कि अब योगी आदित्यनाथ जो आने वाले वक्त में भी मुख्यमंत्री बनते दिखने वाले थे या बनने का जो ख्वाब देख रहे थे वो टूट रहा है, क्योंकि एक बड़ा बयान विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता ने दे दिया। अभी तक तो बीजेपी के ही अपने लोग कह रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कि आपसी फुटमस देखने को मिल रही थी, लेकिन आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान अब दिया गया है वो जाहिर तौर पर ये बता रहा है कि क्या आने वाले समय के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में चर्चा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। दरअसल जो खबर अब निकल कर सामने आई है वो खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता संजय सिंह, जिनका एक बयान सामने आ गया। संजय सिंह का जो बयान सामने आया है योगी आदित्यनाथ को लेकर वो चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि जो हालात इस वक्त बने हैं वो ये बता रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता से योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी की जा रही है। और क्या जो काफ़ी समय से ये बात कहा भी जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो क्या इस तरीके के हालात या इस तरीके की संभावना बन सकती है? मैं चाहूँगा जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ के साथ खेला करने वाली है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने वाले। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के जरिए मैं अपने दर्शकों को ये बताऊँगा और समझाऊँगा कि उत्तर प्रदेश के सियासी हालात क्या कह रहे हैं। दरअसल सुनिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर काफ़ी समय से खबरें बनी हुई हैं। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। योगी मंत्रिमंडल में हालात सब कुछ ठीक नहीं है, और तो और अब ये भी कहा जा रहा है कि अब लड़ाई पर्दे के सामने देखने को मिलेगी दो बड़े नेताओं के बीच में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। अब मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि हाल ही में देखने को मिला कि एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक से बृजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने दूरी बना ली। इस बैठक से जहां दूरी बनाए इसके साथ ही साथ उन्होंने इशारों में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूँ, केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाल ही में कई बड़ी जो बैठक योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई उसमें वो शामिल नहीं हुए, या ये कहा जाए उन्हें बुलाया ही नहीं गया।
हाल ही में यह भी देखने को मिलता है योगी केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हैं जिसमें वो पिछड़े जो समाज के लोग हैं उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में अपना जो जनाधार है उसको लगातार केशव प्रसाद मौर्य बढ़ाते नजर आ रहे हैं, और क्या जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की स्थिति रही इसको देखने के बाद ये कहा ही जा रहा था कि क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है सीएम कुर्सी से। दरअसल समझिएगा, मैंने कई बड़े नाम यहाँ पर गिनवाए, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तस्वीरें क्या हैं? और एक सवाल ये भी तो खड़ा हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के हालात बने या जो कम सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आई हैं इसकी वजह क्या केवल योगी आदित्यनाथ ही हैं, और क्या योगी आदित्यनाथ की गलती की वजह से ऐसा हुआ है? बहुत कम लोग ये बात जानते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरअसल जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें और जो नतीजे आए इसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास में बह गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही आत्मविश्वास उन्हें लेकर डूब गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक बैठक में इशारों इशारों में ये कहा था कि कुछ नेता ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास करते हैं जिसका खामियाजा उठाना पड़ता है। और ये भी सुनिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक बड़ी जनसभा की थी, उस जनसभा में उन्होंने ये कहा था कुछ लोग मिसाइल मैन बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग देवता बनना चाह रहे हैं, कुछ लोग भगवान भी बनना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने काम पर ध्यान दे तो ये ज़्यादा ठीक होगा। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जहां आरएसएस स्थित जो हालात बने बीजेपी के लोकसभा चुनाव में उसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर ठहराया जा रहा है तो यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जहां एक और ये बात बिल्कुल सही है कि जो सरकार है मोदी जी की, जो सरकार है ये सरकार आज हाशिए पर खड़ी तो है, लेकिन जो स्थितियां बनी वो सरकार की गलती की वजह से बनी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती की वजह से बनी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार का नारा या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, या उन्हें ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर के तर्ज पर जो है वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आया। तो अब सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि जो संजय सिंह का बयान आया है तो क्या विपक्षी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी ये बात अब समझ गए कि अब प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच सीधी जंग होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन अगर किया जाता है तो क्या दिल्ली पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।